अस्सलाम वालेकुम, हियर आई एम डॉक्टर मारिया ताहिर। वेलकम टू द चैनल द फिजियो सीरीज। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, दैट इज़ अबाउट मुलिगन। फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट होता है मुलिगन, जिसमें हम एपोफिजियल ग्लाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। मुलिगन मैनुअल थेरेपी में आता है। आज हम जिस ग्लाइड की बात करेंगे उसे कहते हैं नैग, NAG, नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स। Now, what are NAGs? NAGs are oscillatory mobilization which can be applied to the facet joints of C2 to C7. Points to remember here that NAGs are always applied on the facet joints of C2 to C7. These are mid to end range mobilizations and these are applied in the anterior cranially. It means that these are applied in 45 degree towards eyeballs and these are graded according to the tolerance of the patient. Now, for the purpose of NAG, what should be the position of the patient? Patients mostly sitting position se NAG lena start karte hain. और नैग्स सिटिंग पोजीशन में ही बेहतर रहती हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट्स जो कि कई फोटिक हों उनके लिए प्रोन पोजीशन प्रेफर की जाती है। अब आपके सामने ये पिक्चर आ रही है, इसमें पेशेंट के ऊपर नैग टेक्निक अप्लाई की जा रही है, नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड। पेशेंट इज़ इन सिटिंग पोजीशन एंड द फिजियोथेरेपिस्ट इज़ स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड। अगर फिजियोथेरेपिस्ट राइट हैंडेड है तो प्रेफरेबली वो राइट साइड पे खड़ा होगा, और अगर लेफ्ट हैंडेड है तो वो पेशेंट की लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा। पेशेंट हेड इज़ क्रेडल्ड बिटवीन द अपर एब्डोमेन एंड चेस्ट, एज यू कैन सी। मिडल फेलिंग्स ऑफ द राइट फिंगर शुड बी प्लेस्ड अराउंड द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा ऑन द टॉप ऑफ द जॉइंट टू बी मोबिलाइज। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि नैग में जो सस्पेक्टेड लियन होता है उसका सुपीरियर वर्टिब्रा मूव किया जाता है, उसके सुपीरियर वर्टिब्रा को ग्लाइड किया जाता है। जैसे कि अगर लियन C4 और C5 पर है तो हम मोबिलाइजेशन C4 पर अप्लाई करेंगे, ओके। और जो रिवर्स नैग होता है उसमें इन्फीरियर वर्टिब्रा को ग्लाइड किया जाता है। एंड दीज ग्लाइड शुड बी रिदमिकल 3 पर सेकेंड, ओके। और ये 5 पर सेकेंड से एक्सीड नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो पेशेंट्स के लिए डिस्कम्फर्ट का बाइस बनती हैं। पॉइंट्स टू पॉन्डर ड्यूरिंग अप्लाइंग नैग्स, रोटेशन एंड द साइड फ्लेक्शन ऑफ द हेड शुड बी अवॉइडेड। पेशेंट का हेड बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में होना चाहिए। ऑलवेज अप्लाई अ लिटिल ट्रैक्शन बिफोर अप्लाइंग ऑसिलेशंस, ओके। अब नैग में कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं जिन्हें कहा जाता है पिल रिस्पॉन्स एंड क्रूक रिस्पॉन्स। ये पिल रिस्पॉन्स और क्रूक रिस्पॉन्स कोई वैलिड चीज़ नहीं है, लेकिन ये मोस्टली यूज़ की जाती है, तो अक्सर ये पेपर में या फिर बायवर्क के दौरान में पूछ ली जाती है। पिल स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर पेन, आई स्टैंड फॉर इंस्टेंट रिलीफ एंड LL स्टैंड फॉर लॉन्ग लास्टिंग। नैग शुड बी अप्लाई इन पेन, नैग से इंस्टेंट रिलीफ मिलना चाहिए, और पेन से जो रिलीफ मिलता है वो टेम्प्ररी नहीं होना चाहिए बल्कि लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। दिस इज़ पिल रिस्पॉन्स। नाउ व्हाट इज़ क्रूक? क्रूक स्टैंड फॉर सी फॉर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, आर फॉर रेपिटिशन, ओ फॉर ओवर प्रेशर, सी फॉर कम्युनिकेशन एंड के फॉर नॉलेज। रेपिटिशंस 3 पर सेकेंड या 5 पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यह कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ओवर प्रेशर पेशेंट पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। और पेशेंट के साथ आपको कम्युनिकेट करते रहना चाहिए ड्यूरिंग अप्लाइंग नैग। नॉलेज, जो वर्टिब्रा आप मूव कर रहे हो उसके एनाटॉमी के बारे में, उस एज ग्रुप के डिजीज़ के बारे में और पेशेंट के रिस्पॉन्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद रीजंस ऑफ डिसकम्फर्ट। अकॉर्डिंग टू द मुलिगन, पेशेंट नैग से इंस्टेंट रिलीफ फील करता है जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, लेकिन अगर नैग से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, पेन से रिलीफ फील नहीं हो रहा, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? मोस्ट प्रोबेबली उसकी वजह ये हो सकती है रॉन्ग लेवल ऑफ ऑसिलेशंस, यानी C4 C5 में अगर लियन है तो आपको C4 मूव करना है ना। अगर आप गलती से C5 मूव करना शुरू कर देंगे, रॉन्ग लेवल ऑफ ऑसिलेशन चूज़ कर लेंगे, तो पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है। एंड द अदर रीज़न ऑफ द डिस्कम्फर्ट मे बी नो ट्रैक्शन। इट मीन्स आप पेशेंट को ट्रैक्शन दिए बगैर ही ऑसिलेशन देना स्टार्ट कर दो, तभी पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करेगा।
ये सब नेक के बारे में था। होप सो आप सबको ये टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग रिवर्स नेक के बारे में बात करेंगे।